हे हाय एवरीवन माय नेम इज़ सुमित एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सिविल्स क्लब सो देखिए ये हमारी जो रिवीजन सीरीज़ चल रही है मेंस की उसमें हम लोग आज एग्रीकल्चर का पार्ट टू डिस्कस करेंगे दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द मेंस 300 प्लस सीरीज एंड उसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एग्रीकल्चर पार्ट वन डिस्कस किया था इसमें हम लोग एग्रीकल्चर का पार्ट टू डिस्कस करेंगे सो लेट्स बिगिन जिसको भी इसकी पी चाहिए वो टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब से सिंपली जाकर डाउनलोड कर सकता है आज का देखिए हमारा जो टॉपिक जिसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे वो हम बात करेंगे फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन पे राइट तो क्या होती है देखिए फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन इस पर देखिए डायरेक्ट सवाल भी आ सकता है एंड अगर डायरेक्ट सवाल नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं दैट वाइल राइटिंग एन आंसर ऑन एग्रीकल्चर यू कैन सिंपली मैंशन दिस फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन तो एफ पीओ तो देखिए ये एक लीगल एंटिटी होती है जो जितने भी फार्मर्स हैं वो मिलकर बनाते हैं एंड दे कंडक्ट द एग्रीकल्चर ऑपरेशन टुगेदर राइट क्यों देखिए ऐसा किया जाता है वाई डू पीपल फॉर्म दीज एफ पी ओ सिंपली बिकॉज एट्टी सिक्स परसेंट ऑफ द फार्मर्स हैव लैंड होल्डिंग्स लेस देन टू हेक्टेयर ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था वेरी इंपॉर्टेंट डेटा पता होना चाहिए राइट एंड एज अ रिजल्ट वॉट हैपन्स इज दैट द प्रोडक्टिविटी एंड द प्रोडक्शन इज वेरी लो ठीक है तो इससे क्या होगा वही फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी राइट चीप क्रेडिट मिल सकता है क्योंकि सब लोग एक साथ आएंगे राइट एंड देन दे कैन कलेक्टिवली गो टूवर्ड्स द बैंक राइट कलेक्टिवाइजेशन ऑफ द इनपुट प्रोस इनपुट परचेज होगा तो उससे क्या होगा ई ओ एस इकनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ेगी राइट आप ज़्यादा इनपुट्स खरीदोगे एक साथ खरीदोगे तो सस्ता मिलेगा वो माल देन रिसोर्स एफिशंसी बढ़ती है राइट ठीक है आप रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर पाओगे इनकम बढ़ेगी राइट तो ये सब क्या है फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो फार्मर की कलेक्टिव बार्गेनिंग को बढ़ा सकते हो ठीक है तो ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा देन वॉट आर द चेलेंजेस एफ पी ओज को बनाने में देखिए चैलेंजेस क्या है सबसे बड़ा चैलेंजेस यही है कि भाई कॉम्प्लीकेटेड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है राइट right? देन इनका जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है दैट इज वेरी मच इन एफिशियंट देन इनके जो फाइनेंशियल्स वगैरह हैं वो काफ़ी वीक होते हैं एज अ रिजल्ट बैंक डोंट जनरली ट्रस्ट देम राइट ठीक है देन दीज आर डोमिनेटेड बाई द इलीट फार्मर्स अगर एफ पी ओ बनेगी भी तो कौन डोमिनेट करेगा इलीट फार्मर्स देन दे हैव अ वेरी वीक रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटीज राइट इनके पास कोई सॉलिड बैकअप नहीं होता राइट देन इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इनका इनएडुकेट होता है ठीक है तो एज अ रिज़ल्ट क्या होते हैं एफ पी ओज़ का जो फुल पोटेंशियल है वो ये लोग एक्सप्लॉयड नहीं कर पाते ठीक है देन यहाँ पे वे फॉरवर्ड वगैरह में आप जे जे ईरानी कमेटी के बारे में बता सकते हैं राइट right. इन्होंने कहा था कि भाई आप एक स्पेशल एक्ट लेके आओ जे जे ईरानी कमेटी जी ने बोला था एक स्पेशल एक्ट लेके आओ एफ पी ओज़ के लिए राइट एंड जिस तरीके से जो न्यू कंपनी लॉ है उस तरीके से हम एक स्पेशल एक्ट लेके आना चाहिए इनकी ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग करो राइट गो फॉर द साइंटिफिक क्रॉप प्लानिंग हो यू कैन से ठीक है इनको साइंटिफिक क्रॉप प्लानिंग के बारे में बताओ ठीक है तो ऐसे क्या होगा ऐसे इनकी बार्गेनिंग पावर और इनकी जो फार्मर इनकम हो डबल हो पाएगी सो फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ध्यान रखिएगा ठीक है आप इसको ऐसे देख सकते हो एक टाइप का सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप का जो हो पढ़ते हैं ना हम वुमेन वगैरह के लिए फार्मर के लिए एफ पी ओज है ठीक है इस इस नज़र से सोचोगे तो आपको याद रहेगा ठीक है, है तो ये सब इसके मैंने एडवांटेज बता दिए इंक्रीज पाँच पॉइंट ठीक है एंड चैलेंज ठीक है क्या है एंड उसके बाद वे फॉरवर्ड तो इस तरीके से आपने पूरा हो गया एक टॉपिक नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हम फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं ठीक है तो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी होती क्या है तो बेसिकली इट इज़ अ सेट ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी विच आर ट्रांसफॉर्मिंग द टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप राइट जैसे बायो टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी राइट सो so, आप इस टाइप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ये सारी जो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी होती है ठीक है जो कि आपका आ, जो टेक्निकल लैंडस्केप है उसको बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देती है प्रोडक्टिविटी को शार्प इंक्रीज कर देती है ठीक है तो ऐसी टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं ठीक है अब वी ऑल नो दैट दैट ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज इज दैट सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी फार्मर का फ्यूचर सब कुछ देखिए खतरे में है right? राइट एंड इसीलिए हमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो ये क्लाइमेट चेंज वगैरह को मिटिगेट कर पाए सो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी का क्या रोल हो सकता है एग्रीकल्चर में हम उसके बारे में बात करते हैं ठीक है तो बेसिकली अगर क्वेश्चन आए टेक्नोलॉजी वगैरह का रोल के बारे में भी आ चुका है पी वाई क्यू ठीक है तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ बताएंगे इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली कैसे बाय बेटर सप्लाई चेन मैनेजमेंट यूजिंग द आई सी टी आई सी टी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू सप्लाई चेन मैनेजमेंट को हम अच्छा बना सकते हैं देन नेक्स्ट इज हाई यील्डिंग येराइटीज़ ऑफ सीड्स एट लो कॉस्ट ठीक है ये आपको मिल जाएगा ठीक है थ्रू यू कैन से द बायो टेक्नोलॉजी जैसे एग्जाम्पल पर्ल मिलेट्स ये बता सकते हैं देन बेटर मानसून प्रोडक्शन आई एम डी कैन यूज दीज टेक्नोलॉजीज टू बेटर प्रडिक्ट द मानसून राइट देन प्रिसिशन फार्मिंग ठीक है जैसे आप देख सकते हो कि एग्जैक्ट कहाँ पर क्या कितना पानी देना है कितना सीड यू कैन से प्लान करना है राइट तो सेंसर्स ड्रोन सेटेलाइट ठीक है राइट right? और एक टेक्नोलॉजी है लेजर लैंड लेवलिंग ठीक है इसका यूज़ करके क्या कर सकते हैं हम प्रिस फार्मिंग कर सकते हैं ठीक है स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं जैसे वाटर शेड लगा लो ड्रिप इरीगेशन वगैरह ये सब आई सी टी सेंसर्स वगैरह से यूज़ कर सकते हैं देन बायो फोर्टिफिकेशन ऑफ द क्रॉप ठीक है राइट right, इसको इसको प्रमोट किया जा सकता है जैसे एग्जाम्पल गोल्डन राइस सो बायो फोर्टिफिकेशन में यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ गोल्डन राइस देन ई कॉमर्स को प्रमोट किया जा सकता है वी कैन अंडरस्टैंड द मार्केट डिमांड ठीक है क्या है कैसे है ठीक है राइट सो इफ यू हैव दिस टेक्नोलॉजी सो ई कॉमर्स को आप प्रमोट कर सकते हो फार्मर कैन सेल ऑनलाइन ठीक है देन प्रिवेंट द करॉप फेलियर क्रॉप फेलियर से बचाया जा सकता है कैसे जो आपका प्रोड्यूस है उसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाया जा सकता है एन एस टेक्नोलॉजी का नाम है इरीडेशन मशीन्स ठीक है तो अगर इरीडेशन मशीन या इरीडिएशन मशीन्स को आप यूज़ करेंगे यहाँ पर ठीक है तो शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है एंड क्रॉप फेलियर से आप क्या कर सकते हो आप बचा सकते हो ठीक है देन उसके बाद क्या है इन डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू आप नॉन फार्म सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं ऑब्वियसली बात हैिक्वायर गुड इंजीनियर्स गुड यू कैन से सॉफ्टवेयर पीपल टू वर्क विद दैम राइट देन आप स्टबल बर्निंग पॉल्यूशन इन सबको कंट्रोल कर सकते हैं जैसे पेलीटिसाइजेशन कर सकते हैंपीसीड मशीन्स वगैरह का यूज कर सकते हैं तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को भी रोक सकते हैं तो देख रहे हैं कि कैसे आप यहाँ पे थ्रू ऑल दीज प्रशन टेक्नोलॉजी क्या करते हैं राइट फ्रॉम इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी टू क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन टू कंट्रोलिंग द ग्रीन हाउस गैसेज टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इतना सारा यहाँ पे कर सकते हैं इवन माल न्यूट्रिशन फूड फोर्टिफिकेशन तो ये सब का आपको देखिए पता होना चाहिए देख रहे हैं मैंने जो नोट्स बनाए हैं आप बायो फोर्टिफिकेशन एग्जाम्पल गोल्डन राइस ठीक है प्रिवेंट क्रॉप फेलियर कैसे इरीडेशन मशीन ठीक है कुछ भी आप लिख रहे हो बेटर मॉनसून प्रोडक्शन आई एम डी हाई हेल्डिंग वराइटी ऑफ सीट पर्लिलेट तो ऐसे आप बताओ ठीक है दिस इज वॉट इज राइटिंग इन पॉइंट्स एंड गिव इन और ऐसे ही नोट्स आपको बनाने राइट एंड इफ यू वॉन्ट टू जॉइन द एथिक्स कोर्स तो हम लोग एथिक्स कोर्स में भी ऐसे ही करने वाले हैं सो य मोस्ट वेलकम टू जॉइन इन ठीक है वी आर स्टार्टिंग ऑन फ्रॉम थर्ड चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वन नेशन वन रेशन कार्ड के बारे में राइट अब ये देखिए काफ़ी बार न्यूज़ में रहता है वन नेशन वन रेशन कार्ड क्या स्कीम सही है या नहीं है इसके बारे में भी यहाँ पे बात कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे याद रखिए आधार इशू के बारे में सबसे पहले वन नेशन वन रेशन कार्ड के बाद देखिए एडवांटेज वगैरह तो पता ही है सबको क्या होगा ठीक है वन नेशन वन रेशन कार्ड में इश्यूज़ क्या क्या है तो यहाँ पे आप आधार इशू बता सकते हैं जैसे आसाम में क्या है सिर्फ थर्टी सिक्स परसेंट पीपल के पास ही आधार कार्ड है जबकि नेशनल एवरेज है क्या नाइन्टी टू परसेंट तो आधार का कभी भी लिखने को आए तो आप ये बता सकते हैं सबके पास नहीं आधार ठीक है देन यू विल फाइंड दैट देर इज़ अ पुअर इंस्टॉलेशन ऑफ़ द ई पी ओ एस पॉइंट ऑफ सेल मशीन ठीक है वो कभी कभी फंक्शन नहीं करती कम जगह पे इंस्टॉल्ड है ठीक है तो ये लिख दो देन आधार रेशन कार्ड लिंक नहीं है ठीक है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाता राशन देन देर इज़ अ लैक ऑफ माइग्रेशन डेटा ठीक है माइग्रेशन डेटा का सटीक वी डोंट हैव द करेक्ट इन्फॉर्मेशन देन देर इज अ लैक ऑफ क्लैरिटी विद रिगार्ड्स टू ऑपरेशन प्रोसीजर बेनिफिशरीज़ गोस्ट बेनिफिशरीज़ राइट ठीक है ये बताओ जैसे छत्तीसगढ़ का अपना खुद का ही पी सिस्टम है एक टाइप का ठीक है देन वॉट कैन वी डू वी कैन यूज़ द फूड कूपन्स इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ठीक है तो ये ट्राई किया जा सकता है ठीक है देन वी कैन क्रिएट अड नेशनल डेटा बेस फॉर दी अनऑर्गेनाइज वर्कर ठीक है ये करना चाहिए राइट एना कर ये सब करेंगे तो वी कैन डेफिनेटली गो एंड काउंटर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर टू दैट इज़ जीरो हंगर इसको हम डेफिनेटली काउंटर कर पाएंगे तो ये सब क्या है वन नेशन वन रेशन कार्ड और ये सभी आप इवन पी डी एस सिस्टम हम बात करेंगे पढ़ेंगे ठीक है उस पर भी आप ये सब लिख सकते हैं आधार इशू का पुअर इंस्टॉबल इंस्टॉलेशन ये इस साल मेंस में में मेरे क्वेश्चन आया था ठीक है आधार रेशन लिंक नहीं है ठीक है क्लैरिटी नहीं है घोस्ट बेनिफिशरीज है फूड कूपन यूज करो ठीक है नेशनल डेटा बनाओ ठीक है तो ये सब वो कर दो फाइन तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया आपका वन नेशन वन रेशन कार्ड के आपके चैलेंजेस के बारे में नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर पे कुछ थोड़ा बहुत डेटा को अगर पता होना चाहिए जैसे वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट ही कहती है कि क्रॉप प्रोडक्शन साउथ इंडिया में कम से कम 12 परसेंट घट जाएगा बाय 2040 फोर्टी ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज ठीक है तो ये आप कोट कर सकते हैं देन एग्रीकल्चर का एक इंट्रोडक्शन लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हैं कि ये बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है लिख सकते हैं दैट इंडियन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज मोर पीपल दैन द होल पॉपुलेशन ऑफ यू एस इज प्रैक्टिस्ड ऑन अ लैंड ऑफ ऑलमोस्ट एन एरिया ऑफ ईरान एंड फीड्स नियरली वन थर्ड ह्यूमैनिटी इज स्टिल लीस्ट रेम्योरेटिव ऑप्शन या लीस्ट रेमोनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन ऑफ द वर्ल्ड ठीक है तो दिस इज़ वॉट इज द कंडीशन इतने ज़्यादा लोग हैं इतना ज़्यादा एरिया है इतना ज़्यादा प्रोडक्शन है स्टिल सबसे वो सस्ता सबसे वो आप कह सकते हो बेकार रेमिनटि ऑप्शन है ठीक है देन क्लाइमेट चेंज की वजह से देखिए पेस्ट अटैक के रिस्क भी बढ़ जाते हैं ठीक है यू विल फाइंड दैट पेस्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज देन लेमन ब्रदर्स की रिपोर्ट थी दैट फॉर द टू डिग्री राइज इन द टेम्परेचर इंडिया की जी डी तक घटेगी डिक्रीज बाय फाइव परसेंट ठीक है तो ये आप लिख सकते हैं तो क्या करें भाई क्लाइमेट चेंज से कैसे बचें तो टॉलरेंट क्रॉप्स को प्रमोट करो ठीक है जैसे कि ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स लाइक ग्रीन ग्राम चिक्पिया ठीक है ये औरंगाबाद में प्रमोट किया जा रहा है महाराष्ट्र में ठीक है टॉलरेंट लाइफ स्टॉक्स को प्रमोट करो जैसे इंडिजीनियस ब्रीड लाइक राठी रेड सिंधी ठीक है ये प्रमोट करो देन वाटर मैनेजमेंट को प्रमोट करो जैसे माइक्रो इरिगेशन रेन वाटर हार्वेस्टिंग ग्राउंड वाटर रिचार्ज इसको प्रमोट करो देन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज लाइक अभी हमने ऊपर देखा प्रसिशन एग्रीकल्चर लेजर लैंड लेवलिंग इरीडेशन टेक्नोलॉजी जीरो टेलेज ये करो देन रिस्पॉन्सि रिस्पॉन्सिव फार्मिंग रिस्पॉन्स फार्मिंग को प्रमोट करो ठीक है ये क्या है बेसिकली कि भाई आ, फार्मर को जो टेक्नोक्रैट्स है वो एडवाइस दें ठीक है या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज ये प्रोवाइड करवाओ ठीक है तो इससे क्या होगा इन सभी चीज़ों से आप क्या कर पाओगे क्लाइमेट चेंज से काफ़ी हद तक मिटिगेट एज वेल एज अडेप्ट कर पाएंगे ठीक है दैन वाट इज द कंक्लूजन कंक्लूजन यही है दैट क्लाइमेट चेंज विल इम्पैक्ट द एग्रीकल्चर सिवियरली सो वी नीड टू इम्प्लीमेंट द क्लाइमेट रिजिलियंस एग्रीकल्चर अक्रॉस इंडिया दिस इज वॉट इज द नीड ऑफ़ द आर तो कैसे करें वी शुड गो फॉर अ कोलेब्रेशन बिटवीन फार्मर रिसर्च इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट एन जी ओ इन द प्राइवेट सेक्टर ठीक है इन सब को करके कोलैब करो हो जाएगा फाइन ऑल राइट तो यह हमने यहाँ बात कर लिया क्या क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर के बारे में ठीक है नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग इस बार आ, ये इस पर क्वेश्चन आया था एग्रीकल्चर मार्केटिंग वगैरह पे मीनस के पे पे पेपर में एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे क्वेश्चन आया था तो वॉट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग बेसिकली ठीक है यू ऑल नो दैट कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ वॉट सेलिंग योर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो भी आपका लाइफ स्टॉक है उसके गुड्स वगैरह ठीक है इन द मार्केट ठीक है राइट इसके इसकी ब्रांड प्रमोशन करना राइट ठीक है तो ये दिस इज़ वॉट एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज ठीक है जी जितनी अच्छी आप मार्केटिंग करोगे ठीक है एंड एफ योर प्रोडक्ट इज गुड तो उतना ही वाइडर ऑडियंस पे जाएगा उतना अच्छा वो सेल ऑफ होगा ठीक है एंड देखिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग पूरा एक प्रोसेस होता है ठीक है राइट फ्रॉम ब्रिंगिंग ऑफ योर प्रोड्यूस टू टू द यू कैन से फार्मर टू द कंज्यूमर पूरा डिस्ट्रीब्यूशन और ये सारा नेटवर्क दैट दैट एवरी कम्स अंडर द एग्रीकल्चर मार्केटिंग ठीक है तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा और इससे पूरे जो वैल्यू चेन है उसमें सब लोग को फ़ायदा होता है इंक्लूडिंग द फार्मर ठीक है तो ये सब आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग का ही पार्ट होता है अब देखिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग में बहुत सारे बॉटल नेक्स भी है इन्वॉल्व है चैलेंजेस हैं ठीक है राइट एंड इसकी वजह से क्या होता है अच्छा जो प्राइस होता है रेम्यूनरेटिव प्राइसेस बाय फार्मर वो रिलाइज नहीं हो पाता ठीक है तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द एग्रीकल्चर मार्केटिंग और गवर्नमेंट के क्या सर स्टेप्स हैं इसके बारे में हम बात करते हैं सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में वो आपकी आती है ए में रिस्ट्रिक्शन ठीक है राइट यू विल फाइंड दैट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग ये जो कमिटीज़ है ठीक है यहाँ पे कार्टलाइजेशन होता है ठीक है इन मंडीज़ में ठीक है कार्टल्स बने होते तो सही प्राइस नहीं मिल पाता देन देर इज अ लैक ऑफ सफिशंट स्टोरेज वेयर हाउस की कमी है तो एज अ रिजल्ट वॉट हैपन्स इज दैट यू नीड टू सेल ऑफ एट वॉट एवर प्राइस यू आर गेटिंग ठीक है नहीं तो वो पैरेश हो जाएगा देन स्टॉक लिमिट है राइट एसेंशियल कॉमोडिटीज़ एक्ट ने बहुत सारी स्टॉक लिमिटिंग लगा रखी है ठीक है नहीं तो वो होर्डिंग मानी जाएगी तो गेन इससे क्या होता है जो ट्रेडर्स है वो सारा माल नहीं खरीद पाते ठीक है देन लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी टू रीच मंडीज ठीक है लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट की कमी है मंडीज तक माल ही नहीं पहुँच पाता बीच में खराब हो जाता है ठीक है लॉजिस्टिक पुअर है देन प्रेजेंस ऑफ अ लॉट ऑफ इंटरमीडियरीज ब्रोकरस बहुत सारे प्रेजेंट है एंड ऐसा देखा गया है मिडिल मैन का शेयर थर्टी वन परसेंट तक होता है राइस मैन पंजाब सोच वन थर्ड खा जा रहा है पैसा मिडिल मैन ठीक है देन देर इज़ अ करप्ट मंडीज मंडीज बहुत सारी करप्ट है ठीक है देन यू विल फाइंड फार्मर पर इनएडक्ट मार्केट इन्फ्लो है ठीक है ई कॉमर्स का पता ही नहीं है कैसे बेचना है क्या भेजना है ई नैम पोर्टल की हवा ही नहीं है ठीक है तो ये सब आप बताओ नहीं दर देन दर इज अ लैक ऑफ इंस्टीट्यूशन फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग नहीं हो रही है डेप ट्रैप में फंस जा रहा है फार्म ठीक है तो कैसे वो इस चेन का पार्ट बने ठीक है बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट ग्रोइंग द क्रॉप्स इट्स अबाउट मार्केटिंग मार्केट तक ले जाना है वहाँ पर सही डिस्ट्रीब्यूशन करवाना सही कॉस्ट पर बेचना तो ये सब एट पॉइंट आप आराम से यहाँ पे बता सकते हो ये सब आपके साथ क्या है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में प्रॉब्लम है ठीक है फ्रॉम फॉर्मिंग कॉर्टल्स टू पुअर सप्लाई स्टे सप्लाई चेन सफिशेंट स्टोरेज ई सी एक्ट ट्रांसफर इन ट्रांसपोर्ट ठीक है ए ब्रोकर मिडिल मैन ठीक है इस तरीके से ये की वर्ड्स आपने यहाँ पे बता दिए ठीक है अब सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं तो सरकार ने ए पी एम सी रिफॉर्म्स लेके आई है ठीक है देन नेशनल एग्री कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ठीक है इसको देखिए स्ट्रेंथन किया जा रहा है ठीक है ताकि कॉपरेटिव मार्केटिंग प्रमोशन ये सब हो सके देन अगर मार्केट पोर्टल बनाए दिस इज़ यू कैन से गवर्नमेंट टू कंज्यूमर का ई e गवर्नमेंट पोर्टल है देन सरकार लॉजिस्टिक के लिए किसान रेल किसान ईयर स्टार्ट किया है ठीक है देन पी एम आशा स्कीम आई है जिसमें प्राइज सपोर्ट मैक्स स्कीम है ठीक है प्राइस डेफिशंसी पेमेंट स्कीम है जिसमें आपका एम एस पी और जो मार्केट प्राइस है उसके डिफरेंस को फार्मर को पे कर दिया जाएगा राइट देन यू हैव प्राइवेट प्रोक्योरमेंट ठीक है तो ये सब क्या है पी आशा स्कीम ये वाली स्कीम के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में ही बोला था ठीक है तो पी आशा फॉर बेटर प्रोक्योरमेंट फॉर प्राइवेट इन्वॉलमेंट प्राइवेट प्रोक्योरमेंट ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है देन ई नैम पोर्टल तो है ही है ठीक है राइट right? इसके इसके बेस पे बाई द फार्मर कैन रियलाइज़ द करेक्ट प्राइसेस ठीक है देन कॉमोडिटी बोर्ड्स बनाए गए हैं टी कॉफी इनके लिए ठीक है ताकि इनका भी आ, पूरा जो सप्लाई चेन है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके ठीक है जो हमारे फार्मर भाई बहन हैं उन्हें सही उनका दाम मिल सके ठीक है तो ये सब आप स्टेप्स के बारे में बता सकते हैं वैन इट कम्स टू द गवर्नमेंट एक्टिंग एंड प्रमोटिंग द वॉट इंटायर एग्रीकल्चर मार्केटिंग ठीक है तो ये हमने यहाँ पे क्या डिस्कस कर लिया पार्ट टू में ठीक है एग्री मार्केटिंग के बारे में ठीक है एंड इसी के साथ हमारा ये वाला पर्टिकुलर आज का लेक्चर यहाँ खत्म होता है नोट्स जिसको भी चाहिए तो पी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब पे चलिए दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ बाय